नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोड़िया। देखिए दोस्तों, हम एडवांस मैथ्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डर लग रहा है कि MP फॉरेस्ट गार्ड में कहीं एडवांस मैथ्स ना जाए। उनका कहना यह है कि 2017 में जो MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स आई थी, लेकिन अभी जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ है 2020 में और अभी आबकारी आरक्षक में, तो कह रहे हैं कि एडवांस मैथ्स भी आ रही है, तो आने दो, हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज ही अपना क्या है, पेन कागज में पहला वीडियो है, ठीक। तो अपन इसमें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद, ठीक। ये कक्षा 10 का टॉपिक है दोस्तों, और साथ में दोस्तों एडवांस में भी आता है, ठीक है। तो अपन बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, बहुत आसान है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसका नाम जरूर एडवांस मैथ्स है लेकिन ये बहुत सरल होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम, उसका नाम है बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। हम इजी टू क्या जाएंगे, टफ में जाएंगे, मतलब बेसिक टू एडवांस पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बहुपद के, ठीक है। पहला क्लास है दोस्तों अपना ये कागज पेन में, तो देख रहा हूँ मैं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कितना अच्छा मिलता है, ठीक है। यदि आपको दोस्तों अच्छा लगेगा तो मैं इसी में आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दूंगा। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसमें पढ़ाऊंगा पेन कागज में, तो आपको एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ मैं इसके, ठीक। इतनी क्षमता है मेरी, ठीक है। तो चलिए, निम्न में से बहुपद है, ठीक। ऑप्शन दिए हुए हैं x^-3 x^-2 x^3 + 5 √x + 8 1/x² + 7 और 3x² + 7, ठीक। ये चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, और पूछ रहा है कि बहुपद कौन सा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज याद रखना, बहुपद जो होते हैं दोस्तों वो क्या हो सकता है, बहुपद में x^1 भी हो सकती है, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर x^2 है दोस्तों तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और अगर x^3 है दोस्तों तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक। ये चीज समझ में आ गई कि क्या होता है बहुपद। यदि x^1 है तो रैखिक बहुपद, यदि x^2 है तो द्विघात बहुपद, और x^3 है तो त्रिघात बहुपद। और बहुपद का जो दोस्तों फॉर्मेट होता है, ठीक, प्रारूप होता है ax² + bx + c = 0, ठीक। बराबर 0 कब होगा? जब उसके शून्य हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये होता है ax² + bx + c, ठीक। एक्चुअल में इसको लिखते हैं fx = a² + bx + c, और ये जो बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है। ठीक, किसका बता रहा हूँ, द्विघात बहुपद का, ठीक। यदि एक घात बहुपद मतलब रैखिक बहुपद रहेगा तो उसमें x^1 रहेगी, और अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो x^3 रहेगी। और याद रखना दोस्तों, यहाँ a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता, b बराबर भी कभी 0 नहीं हो सकता, और c बराबर भी कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सभी क्या है, ये अचर राशि होती है c जो होती है दोस्तों, ठीक है। तो पूछ रहा है बहुपद कौन सा है, तो याद रखना बहुपद में दोस्तों हमेशा x^3 क्या होती है, x^3 हमेशा दोस्तों की याद रखना, x^3 हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या मतलब दोस्तों एक से लेके पॉजिटिव जहां तक जाएगी, ठीक। मतलब दोस्तों 0 नहीं हो सकती, ठीक, माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इस प्रकार से दोस्तों x^3 नहीं हो सकती। तो ये देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन में x^-3 है, मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में दोस्तों देखिए, x^3 ठीक है, लेकिन 5 के बाद √x लिखा है, मतलब दोस्तों x^3 कितनी है, 1/2, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर तीसरा वाले ऑप्शन में दोस्तों 1/x² लिखा है, और 1/x² का मतलब दोस्तों ऊपर जाता है तो कितना हो जाता है, x^-2 हो जाता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3x² + 7 दोस्तों क्या हो जाएगा, 3x² + 7 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है, बहुपद fx = 3x² - 7x + 2 हो तो f, और कोष्ठक के अंदर लिखा दोस्तों f - 1 का मान क्या होगा, मतलब f की जगह f - 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जहां x लिखा है ना वहां -1 लिख देते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है इक्वेशन, 3x² - 7x + 2 लिखा है, तो जहां जहां दोस्तों आपको x दिख रहा है वहां -1 रख दो, तो 3 - 1² - 7 - 1 + 2, देखिए 3 हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 × 1 हो जाएगा, ठीक, -7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 है, ठीक। तो -1 अंदर गुणा हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 2,
तो 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 12 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमें एफ माइनस वन की वैल्यू लिखा बोला है तो एक्स की जगह में हमको क्या करना है, माइनस वन रखना है। अगर एफ टू बोलता तो एक्स की जगह में 2 रख देते, अगर एफ 10 बोलता तो एक्स की जगह में हमें क्या रख देते, 10 रख देते। ठीक, तो ये इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दिखते बस टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन होते बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब होता है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं? जीरोस। मतलब दोस्तों शून्यक का मतलब होता है कि हम एक्स की कौन सी वैल्यू रख दें कि इसका मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 3 लिखा है दोस्तों, तो माइनस 3 को ऐसा लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो देखिए ये अब एक फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में एक्स प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस अंडर रूट 3, दोनों को बराबर के 0 करेंगे दोस्तों, शून्य बोल रहा है, इसलिए एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 और एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। ठीक, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये दोस्तों आप बिना कॉपी पेन के, मतलब बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बस आपके दिमाग में ये इक्वेशन आ जाती है यदि इसके बाद, तो यहाँ से आप समझ जाते हैं कि अंडर रूट 3 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में अंडर रूट 3 दिख रहा है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई हम भाग देते हैं भाई, है ना, तो क्या लिखा है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किससे भाग देना है, इसको x प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ x लिखा है और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, x की घात 3 है, ये क्या है, x की घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ x लिखा है और यहाँ x की घात 3 लिखा है, तो कौन सी संख्या का गुणा करेंगे इसमें x में, ये x की घात 3 बन जाएगा, तो x की घात 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, x की घात 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना जाएगा, x की घात 3 धन हो जाएगा, ये x का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक, इसको घटाएंगे तो x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, ये 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चल जाएगा, तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3x प्लस 1 जो बचा है उसको भी यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ x है, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि इसमें x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, तो प्लस 2x का गुणा करेंगे, तो 2x का गुणा किस में करेंगे, x में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बदल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये खत्म, 3x में से 2x गए तो एक्स प्लस 1। ठीक, अब एक्स प्लस 1 का भाग x प्लस 1 में देंगे तो क्या जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 1 मतलब दोस्तों ये घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो x में माइनस 0 हो जाएगा, मतलब शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, शेषफल इसका आंसर आ रहा है 0। क्या आ रहा है शेषफल, 0, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शून्यक क्या होते हैं, मैंने बताया ना, शून्यक जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं कि उनको दोस्तों यदि हम यहाँ पर उनकी जगह x की जगह वैल्यू रखेंगे तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मान के चलो दोस्तों अगर इसके इस इक्वेशन के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हैं, तो याद रखना शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस बी अपान ए, और उनका गुणनफल दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये आपने दोस्तों जब आप द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे दोस्तों, तब भी आपने वहाँ पर पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक, इसकी तुलना दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 और सी बराबर कितना हो जाएगा 1। हमें निकालना क्या है, शून्यकों का योग निकालना है, अल्फा धन बीटा निकालना मतलब माइनस बी बटे ए। माइनस बी मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए माइनस बी मतलब माइनस पहले से लगा है और माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4, तो ये माइनस माइनस 4 बटे ए की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, तो ये 4 लिख दिया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस 4, ये हो जाएगा 4, 4 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 1, मतलब आंसर कितना जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6।
बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल मैंने अभी बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सी की वैल्यू यहाँ पर है दोस्तों 1, तो 1 हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है? 4, मतलब 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के, क्या किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 4 - 4 और 7 हैं, कितना -4 और 7 हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए मैंने अभी बताया कि शून्यक के मतलब क्या होता है कि उनको रखने पर वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो मान के चलो दोस्तों, यहाँ पर शून्यक है ये क्या है? -4 है और 7 है। मान के चलो दोस्तों, अल्फा बराबर क्या है? -4 है और बीटा बराबर क्या है 7। ठीक, तो मैंने देखी कभी भी बताया आपको कि क्या होती है, वो किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है। यदि इक्वेशन में x का बहुपद है तो x की वैल्यू होगी, और y का बहुपद है तो y की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि x = -4 और x = क्या हो जाएगा 7। तो देखिए दोस्तों, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके गुणनखंड आते हैं पहले। तो इसको लिख सकता हूँ क्या, x + 4 = 0, ठीक है, और x - 7 = 0, ये हो जाएंगे गुणनखंड। मतलब गुणनखंड आ जाएगा एक x + 4 और एक हो जाएगा x - 7। ठीक, अब क्या करना, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो x + 4 और x - 7 का गुणा करूंगा दोस्तों। तो x का गुणा देखिए, x + 4 और x - 7 का गुणा कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर x का फिर से लिखता हूं इसको, है ना, x + 4 और x - 7 गुणा कर दो भाई। देखो, x का गुणा x में होगा तो x², ठीक है, प्लस x का गुणा x, अब 4 का गुणा x में कर दो +4x, अब -7 का गुणा माइनस x में कर दो -7x, -7 × 28, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x² ये 7 में 4 का 3, बड़ा साइन है 3x, -28, ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर, x² - 3x - 28। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, कि इसका जो द्विघात बहुपद होगा क्या होगा, x² - 3x - 28 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? मान के चलो दोस्तों, उसके शून्यक है क्या है, अल्फा और बीटा है, मान के चलिए अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों कि उनका योग कितना होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, गुणनफल c/a। अब यहाँ क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग, मतलब दोस्तों -b/a बराबर कितना है, 5 है, तो -b/a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, और गुणनफल कितना है, मतलब c/a बराबर कितना है, 6 है, क्या है, c/a बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ -b/a = 5 है, तो इसको बटे में 1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, और c/a = 6 है, तो इसको 1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तुलना करेंगे, देखिए a बराबर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू यहाँ -b = 5 है, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c = 6 है, तो c की वैल्यू 6 हो गई। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो आपको पता है दोस्तों कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c होता है। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब यहाँ हो जाएगा x², b की वैल्यू -5 है, इसलिए -5x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 6, तो +6, आंसर आ गया x² - 5x + 6। ठीक, बहुत आसान होते हैं, x² - 5x + 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा और बीटा का गुणा है। ठीक है, अल्फा बीटा का मान याद कीजिए। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करना है, अब भी मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा भाई, एग्जाम में ये सब नहीं करना है कि बराबर ये है, बी बराबर भी है, y² - 6y + 8 लिखा है, तो यहाँ सी की वैल्यू ये हो गई, मतलब 8 हो गई, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 8/1 आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, यदि द्विघात बहुपद 2x² - x - k, क्या लिखा है, 2x² - x - k का एक शून्य क्या है, 3 है, तो k का मान क्या होगा?
मैंने अभी अब आपको बताया था दोस्तों कि जब भी हमको हमको इस प्रकार का रहता है तो शून्य का मतलब क्या होता है कि उसको एफ की जगह में रखने पर क्या होता है, शून्य आता है। ठीक, तो यहाँ एक शून्य ऑलरेडी तीन दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीन लिख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दो एक्स स्क्वेयर धन एक्स धन के बराबर जीरो, एक शून्य तीन है मतलब एक्स की जगह में तीन रख दो। ठीक है, तो दो और तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन का स्क्वेयर धन तीन धन के बराबर जीरो। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ, नौ दूनी कितना हो जाएगा अठारह, धन ये हो जाएगा तीन धन के बराबर जीरो, तो इक्कीस धन के बराबर जीरो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस इक्कीस आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल आते हैं। ठीक, ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, और मैंने आपको दोस्तों लगभग लगभग 15 मिनट में दोस्तों ये 10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक, बहुपद के, है ना, और बहुत बारीकी समझाया हूँ। अगर दोस्तों आपको ये तरीका पसंद आया होगा तो आप बताना, मैं आपको एक बार में 50-50 क्वेश्चन करा सकता हूँ इस कापी पेन में। ठीक, तो यदि वीडियो पसंद आया होगा और मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।